खबर शिवपुरी जिले के बैराट से निकलकर सामने आ रही है। कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैराट का पत्रकारों की टीम द्वारा किया गया निरीक्षण सुचारू रूप से संचालित पाया गया। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में रहने वाली बालिकाएं बहुत ही खुश रहती नजर आई, जब पत्रकारों द्वारा छात्रों से उनकी पढ़ाई, खाना पीना, रहना, सर्दियों के समय में रजाई कंबल और नहाने धोने के लिए साबुन, सर्फ, पानी व भोजन की व्यवस्था सही समय पर उपलब्ध और अच्छी बताई गई। पत्रकारों की टीम द्वारा बालिकाओं से पूछा गया तो उन्होंने खुश होकर और एक प्रसन्नता के साथ बताया कि हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सारी सुख सुविधा सही टाइम पर और अच्छी मिल रही है। इन सारी सुख सुविधाओं को देखते हुए पत्रकारों को भी बहुत खुशी हुई और बालिकाओं से पूछा कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताने का कष्ट करें, तो बालिकाओं ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे लिए खेलकूद का सामान नहीं है, जैसे कि चुड़िया, बल्ला, बैट बॉल आदि प्रकार का सामान, जिससे हम खेल नहीं पाती हैं। और हमारे कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में ग्राउंड के लिए काफी जगह है, मगर उसमें पत्थर, गड्ढे, झाड़ पड़े हुए हैं, जिसकी सफाई कर हमारे लिए एक छोटा सा ग्राउंड बनवा दिया जाए, हमारे लिए खेलकूद के सामान की भी व्यवस्था करवाई जाए। और छात्राओं ने बताया कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैराट में हमारी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कराई जाती है, हम खुश हैं, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। जब इस संबंध में पत्रकारों द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैराट से संकुल प्राचार्य दिनेश कुमार यादव से बात की तो उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि मैं खेलकूद के सामान और ग्राउंड की सारी व्यवस्थाएं करने का प्रयास में लगा हुआ हूं। बैराट से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। टेक बैराट से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे मन करता है कि अपन भी खेल कूद करें, कुछ करें, तो यहाँ पे आपके लिए कोई खेल कूद का सामग्री कुछ है यहाँ पे? नहीं सर, कुछ नहीं है बिल्कुल। तो आपने कभी बोला नहीं है अपनी अधीक्षिका से या प्रिंसिपल सर से कभी कुछ बोला आपने इस संबंध में? नहीं सर, बोला सर। तो अब आपकी क्या मांग है? अब आपकी खेल कूद संबंधी आपको सामान चाहिए? तो आपको क्या क्या सामान चाहिए वो आप बताएं, मतलब आपकी हॉबी क्या है? किसी की क्रिकेट की हॉबी है, किसी की बास्केटबॉल, किसी की चिड़िया वाला, तो सबकी अलग अलग रहती है, सब होना चाहिए। तो अभी अपन ने बहनों से बात की थी तो इनका कहना है कि यहाँ पर खेल कूद का सामान नहीं है और कुछ भी आज तक मिला ही नहीं है। तो आप क्या चाहती हो कि यहाँ पे सारी व्यवस्था होना चाहिए और ये आपका अधिकार भी है कि ये उम्र है अपनी, अपने स्टूडेंट लाइफ में तो खेलकूद भी जरूरी है अपने जीवन में, जिससे क्या अपना मानसिक और शारीरिक दोनों, अपने शरीर भी नहीं, ये क्या है, ये कला है, ये खेल से अपना शरीर बिल्कुल सही रहता है, कोई बीमारी रोग दोष नहीं आते हैं, तो सामान मिलना चाहिए ना। और आपके लिए ग्राउंड की का कोई व्यवस्था है? नहीं सर, ग्राउंड तो है लेकिन उसमें झाड़ वगैरह चलो इसको भी देखो, सब तुम्हारे लिए बेटा, यहाँ पर खेल ग्राउंड नहीं है तुम्हारे लिए, जैसा हम भी देख पा रहे हैं यहाँ पर ये झाड़ और ये लगे हुए। तो आप क्या चाहती हो यहाँ पे? तो आप इस छात्रावास में रह रही हो तो आपको खाना वगैरह आपके यहाँ सुविधा जो सही मिल रही है आपको, और आपकी पानी की पीने की व्यवस्था कैसी क्या है? और सर हॉस्टल में साफ सफाई होती रहती है टाइम पे? अच्छा, और यहाँ पर हॉस्टल में कोई ऐसे कोई बाहरी सामाजिक तत्व तो यहाँ पर आके कोई ऐसे उधम तो नहीं करता है? नहीं। अच्छा, और आपकी कोई समस्या कोई परेशानी हो तो आप हमें बताओ? नहीं सर, सब बढ़िया है। और आपके स्कूल में आपकी पढ़ाई कैसी क्या मिलती है आपको पढ़ने के लिए, सही पढ़ाई होती है? परेशानी स्कूल में? नहीं सर। अच्छा, भूरो यादव। तो यहाँ पे जो आप हॉस्टल में रह रही हो, कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास है, यहाँ पर रहना खाना और जो भी साफ सफाई जो आपको सारी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से वो सब मिल रही हैं आपको? हाँ सर। अच्छा, खाना अच्छा बनता है? हाँ सर। सुरक्षा गार्ड है यहाँ पे? और कोई मेला गार्ड नहीं? क्या नाम बेटा? मेला गार्ड। कौन से गांव से बेटा? आगुर्सी से। तो ये जो अभी ये बता रही थी अभी बहना है कि इनको कोई परेशानी नहीं है, तो क्या आप भी इस चीज़ से सहमत हो गए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चल रहा है? ठीक है, चलिए।